तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ। चलो हो गया भाई। भावना जी, थंबनेल के लिए फोटो चाहिए था। स्माइल। अरे क्या यार, ढंग से स्माइल कर लो यार। यार मैं कोशिश कर रही हूँ बट मेरे से हो नहीं रहा। आप भी तो स्माइल करना नहीं भूल गए। स्माइल करना कौन भूलता है यार। लगता है आपको भी कोचिंग लेना पड़ेगा। किस बात का? स्माइल करने की। स्माइल करने की कोचिंग कौन लेता है? कुछ भी बोल रहा है, ये कौन सी खबर है? पर एक्चुअली एक खबर है। जी हाँ, जापान में लोग स्माइल करना भूल चुके हैं और इसके लिए उन्हें कोचिंग लेनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि ये कोविड की वजह से हो रहा है। जापान में की गई एक रिसर्च में पता चलता है कि वहाँ के लोग मास्क पहनने की वजह से नेचुरल तरीके से स्माइल करना भूल चुके हैं। जापान के लोग मास्क पहनने के आदि हो जाने की वजह से अब चेहरे को बिना ढके उन्हें अजीब महसूस कर रहे हैं। जापानी अखबार असाही शिम्बुन की एक रिपोर्ट की अगर माने तो कुछ लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो नेचुरल रूप से स्माइल करना भूल चुके हैं, जिसके लिए उन्हें स्माइल ट्यूटर की जरूरत पड़ रही है। 4000 लोगों को स्माइल करना सिखा चुकी स्माइल एजुकेशन कंपनी इगाउकू के कोच केको कयानो ने लोगों की मुस्कुराने की क्षमता पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि लंबे वक्त तक मास्क पहने रहने की वजह से लोगों के पास स्माइल करने के मौके बहुत कम थे, इससे उनके चेहरे की मांसपेशियों में समस्याएं पैदा हो गई हैं। कोच ने जापानी लोगों को सलाह दी है कि वो स्माइल करने वाले वर्कशॉप्स अटेंड करें और स्माइल करने की ट्रेनिंग लें। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। यहाँ मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लग रहा।